सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बाजू में बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का एक सिंपल सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ये बाजू कटिंग की हुई है। मैं यहाँ पे आपको दो डिजाइन बताऊँगा, एक फुल बाजू का डिजाइन बताऊँगा और एक हाफ बाजू का डिजाइन बताऊँगा। और डिजाइनिंग के लिए जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है वो प्रिंटेड लिया हुआ है, जिसमें ये कम्बिनेशन होता है रेड कलर का, ये रेड और येलो कलर का यहाँ पे प्रिंटेड कपड़ा होगा हमारा और रेड कलर की कमीज की हमारी बाजू होगी। तो एक बाजू का हम हाफ डिजाइन बनाएंगे और एक बाजू में हम फुल बाजू का डिजाइन बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बाजू अलग कर लेते हैं जिसमें हम हाफ बनाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे फुल बाजू के बारे में समझाना चाहूंगा। पहले ये हमारी पूरी फुल स्लीव्स कटिंग हो रखी है, यहाँ पे हमें नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फोल्ड लगाते हैं उसका निशान लगा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा हमारा फोल्ड का निशान है। इसके बाद हमें तकरीबन 2 इंच की लगानी है फ्रिल, यहाँ पे 2 इंच की फ्रिल लगाएंगे, और यहाँ पे 1.25 इंच का एक हमने डिजाइनिंग डालनी है। मैं ये निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें जितनी छोटी बाजू करनी है तो यहाँ से हम नापते हुए बाजू को छोटी करते हैं। तो ये हमारा डिजाइन हो गया इतना, तो यहाँ पे हमें कटिंग करनी होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है इतनी हम जब बाजू छोटी करेंगे तो आगे का डिजाइन जो हमारा इतना कवर हो जाएगा, लेंथ हमारी पूरी तैयार आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है प्रिंटेड, ये वाला ये फैब्रिक होगा हमारा, इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। इसकी जो कपड़े की मैंने चौड़ाई रखी है, कपड़े की चौड़ाई है हमारी 5 इंच की। जब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए फ्रिल बनाते हैं तो ये हमारी 2 इंच की फ्रिल आएगी यहाँ पे इस प्रकार से। ये 2.5 इंच आता है, आधा इंच हमारा दबाव में आ जाएगा, तो ये हमारी 2 इंच की आएगी फ्रिल यहाँ पे। और सेंटर का जो हम यहाँ पे गैप छोड़ते हैं, ये वाला, ये जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये हमारा खाली रहेगा। तो इसमें हम इस तरीके की डिजाइनिंग करेंगे इस प्रकार की। मैं इस कपड़े पे आपको करके दिखाऊंगा। ये जो डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाई है वो डिजाइनिंग हम यहाँ पे करेंगे खाली पीस, खाली जगह पे, और यहाँ पे होल आएंगे इस तरीके की हमारी ये डिजाइनिंग होगी। तो डिजाइनिंग के लिए मैंने ये पट्टी ली है, तकरीबन ये हमारी 1 मीटर की होगी, और इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी पूरी बाजू का डिजाइन। अब मैं आपको बताऊंगा हाफ बाजू का डिजाइन। हाफ बाजू के डिजाइन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें हाफ बाजू कितने इंच की रखनी है। यहाँ पे जैसे हमें बाजू की लेंथ 5 इंच रखनी है, तो एक हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे ऊपर से 1.5 इंच पे। तो इस निशान को इस प्रकार से, इसके सामने वाले ये वाले इस निशान को इस तरीके से लेके जाएंगे इस प्रकार, और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये आएगी हमारी बाजू हाफ, एक पार्ट इस तरीके से आएगा एक साइड का और दूसरी साइड का इस प्रकार आएगा ये। और बीच का जो हम ये गैप होगा, ये हम पाइपिंग से, जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा होगा यहाँ पे पाइपिंग या पट्टी लगाएंगे दोनों में से एक चीज, और जो बीच वाला गैप होगा इसके लिए मैंने यहाँ पे 4x4 के इस तरीके के पीस कटिंग किए हुए हैं। 4 इंच चौड़ाई होगी और 4 इंच लंबाई होगी। ये कुछ पीस हमारे प्रिंटेड होंगे और कुछ पीस हमारे प्लेन के होंगे। इन पीसों को हम ट्रायंगल से इस तरीके से देते हुए यहाँ पे इस प्रकार की डिजाइनिंग डालेंगे। तो ये हमारा हाफ बाजू का डिजाइन है और फुल का मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम सबसे पहले
पूरी बाजू का डिजाइन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पूरी बाजू का जब हम डिजाइन तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा पीस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये हमारी बाजू की ओपनिंग है, आगे वाला जो हिस्सा है, ये हमारा कच्ची लबे इस तरीके से जो धागे निकलते हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई वाली एक पट्टी चाहिए। ये वाली मैंने पट्टी कटिंग की हुई है। इस पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे जो रॉन्ग साइड ऊपर की साइड रखते हुए उल्टी साइड यहाँ पे इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। इसका एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेते हैं इस बाजू का। ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सीधी साइड इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से बाजू के पे हमने आगे की साइड ये पट्टी लगा ली है। अब हम फ्रिल तैयार करते हैं। फ्रिल तैयार करने के लिए जो हमने 5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी ली है, इस पट्टी में हम यहाँ पे फ्रिल डालेंगे। सबसे पहले इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों पीस इस प्रकार की फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं पूरी में, ताकि जब हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालेंगे तो अच्छे से वो बैठ जाएंगी। अगर हम एक ही सिलाई से बॉक्स प्लेट डालते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए इसको फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालते हैं छोटी छोटी। इस प्रकार से हमने पूरी पट्टी में ये बॉक्स प्लेट डाल के तैयार करनी है। यहाँ पे दोस्तों पूरी पट्टी में हमने इस तरीके से बॉक्स प्लेट अपनी तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हैं उल्टी साइड फ्रिल वाले पीस को, और एक प्लेन पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच की होगी। इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी जो ये सिलाई हमने जो फ्रिल डालते हुए लगाई थी इसके ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको हम कट कर देते हैं। अब हम सीधी साइड करते हुए
यहाँ पे इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये फ्रिल अपनी कंप्लीट कर ली है। ये फ्रिल हमारी इस तरीके से आएगी, बीच में हमारा रहेगा गैप। तो अब हमने क्या करना है, इस गैप को बराबर रखना है और यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। तो यहाँ पे अंदर की डिजाइनिंग के लिए हमने रेब की पट्टी लेनी है रेड कलर की, इस प्रकार से। ये हमारी रेड कलर की रेब वाली पट्टी होंगी और रेब वाली जो कि जिनकी चौड़ाई 1.5 इंच की होगी। यहाँ पे हम इन पट्टी को, ये मैंने दो पट्टी ली हैं, इन पट्टियों को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए तकरीबन 1/2 इंच या 1 पैर चौड़ाई वाली तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे डोरी पलटते हैं, इस तरीके की हमें ये पट्टी तैयार करनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे भी कट करेंगे, ज़्यादा मार्जिन आपने अंदर की साइड नहीं छोड़ना है। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेते हैं। पलटते किस चीज़ से हैं, आप कोई भी इतनी लंबी और बारीक चीज़ ले सकते हो या सुई से भी पलट सकते हो। मैंने यहाँ पे झाड़ू की सीक ली है, झाड़ू की सीक से भी हम यहाँ पे इस तरीके से इसको पलट सकते हैं। जैसे मैंने एक पट्टी ये पलट के तैयार की है, इसी प्रकार हम दूसरी पट्टी तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं इन पट्टियों को। इस तरीके से इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों दोनों पट्टी मैंने इस तरीके से पलटते हुए प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। अब हमें देखना है यहाँ पे हमें गैप कितना रखना है। गैप जैसे मैंने बताया था, बीच वाला गैप हमारा 1.25 से 1.5 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच का हम एक निशान लगा लेते हैं पेपर के ऊपर, और इस निशान के ऊपर हम यहाँ पे पहले बाजू अटैच करेंगे एक साइड, इस प्रकार। एक साइड हमने यहाँ पे बाजू अटैच कर दी है, दूसरी साइड जो सामने वाला निशान है इसके ऊपर हम यहाँ पे फ्रिल अटैच करेंगे। ये वाली जो हम बॉक्स प्लेट डाल के हमने फ्रिल तैयार की है, इसको अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें ये बीच वाला गैप कवर करना है। ये कवर करने के लिए ही मैंने यहाँ पे ये पीस जो पट्टी तैयार की हुई है पलटते हुए, इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारी बाजू होती है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3.5-3.5 इंच पे, 3.25 से 3.5 इंच पे, इस प्रकार से। यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, फिर 3.25 इंच पे लगाना है,
जो इनका सेंटर होता है, सवा 3 का जो सेंटर होगा उस पे हम इस साइड निशान लगाएंगे इस प्रकार से। एक निशान हमने यहाँ पे सेंटर में लगा लिया है, फिर उसके बाद जो भी हमारा निशान आएगा वो 3.25 इंच पे आएगा यहाँ पे। यहाँ से जो हम पट्टी अटैच करेंगे इस तरीके से करेंगे, जो ये सामने वाला है निशान इसके ऊपर, मतलब एक साइड जहाँ पे हमारा 3.25 का आता है तो दूसरी साइड 3.25 का गैप रखते हुए हम इस साइड यहाँ पे ये पट्टी अटैच करेंगे। एक साइड की पट्टी हमने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर ली है, अब रह जाती है हमारी दूसरी साइड की पट्टी। दूसरी साइड की पट्टी में भी जहाँ पे हमारा एरो का निशान होता है यहाँ से हम गोलाई शुरू करते हैं, और ये वाला जो एरो का निशान होता है ये वाला, इस पे हम दोबारा से यहाँ पे गोलाई बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जो हम यहाँ पे गोलाई बनाएंगे हमारी बराबर होनी चाहिए और सुंदर लगनी चाहिए। अब हम पट्टी के दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है पट्टी लगाते समय, जब हम ये पट्टी लगाते हैं तो हमारी ये पट्टी इस साइड अटैच होनी चाहिए। जैसे मैंने दोनों साइड यहाँ पे अटैच की है, ये भी अटैच हो गई, यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस साइड भी अटैच हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये पट्टी लगानी होती है। दूसरी पट्टी की दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये बाजू का डिजाइन अपना कंप्लीट कर लिया है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमने क्या करना है यहाँ पे, ये पेपर निकालना है। और पेपर लगाते क्यों हैं, क्योंकि पेपर वाली मैंने किसी कई डिजाइनिंग पहले भी तैयार की हुई है, गले की भी तैयार की हुई है, बाजू की भी, पैंट प्लाजो की भी। तो क्या होता है कि कमेंट में एक बार मेरे से पूछा गया कि आप पेपर क्यों लगाते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, पेपर मैंने इसलिए लगाया है, अगर हम यहाँ पे ये पेपर ना लगाते तो हम रेब की पट्टी इस तरीके से अटैच नहीं कर सकते, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे गोलाई में अटैच की है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अटैच की है। ये पट्टी हम ऊपर की साइड यहाँ पे भी आ जाती है हमारी, अगर हम वैसे पट्टी लगाते हैं तो एक हमारी लूज रह जाएगी, एक टाइट हो जाएगी, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए पेपर लगाया जाता है। अब जब हमारी बाजू कंप्लीट हो जाती है, इसको हम आगे से मोरी रखते हुए, जितनी हमें मोरी रखनी है उतनी हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद ये पेपर उतार देते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मैंने ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर लिया है मोरी रखते हुए। एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है उसको हम इस प्रकार से कट कर देते हैं। अब हम यहाँ से ये पेपर उतार देंगे। इस प्रकार ये पेपर अच्छे से पूरा पेपर हम उतार देते हैं। दोस्तों पेपर निकालने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बाजू अपनी कंप्लीट कर ली है। आगे की साइड फ्रिल रखते हुए ये जो बाजू आएगी हमारी इस प्रकार की आएगी, इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर हमारा यहाँ पे डिजाइन तैयार हुआ है बाजू का, और ये बाजू हमारी इस तरीके की होगी। तो पूरी बाजू मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको जैसे मैंने हाफ बाजू की कटिंग बताई थी, तो हाफ बाजू का भी मैं आपको यहाँ पे डिजाइन तैयार करके दिखाऊंगा। हाफ बाजू तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके के दो दोनों साइड में निशान लगा लेते हैं, राइट साइड के, ये भी हमारा राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। और यहाँ पे हम जो प्रिंटेड कपड़ा है हमारा, अब हम यहाँ पे रेब की पट्टी कटिंग करते हैं इस प्रकार की 1.5 इंच चौड़ाई वाली, और इस पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हैं इस प्रकार, और जो हमारी रॉन्ग साइड होती है उल्टी साइड, उस साइड को ऊपर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाएंगे पट्टी में इस प्रकार। जो हमारी गोलाई होती है पूरी गोलाई में अच्छे से इसको इसी तरीके से सेट करेंगे। दूसरी साइड होगी जो हमारी बाजू की, उसमें भी इसी तरीके से हम पट्टी अटैच करेंगे। जो रेब की पट्टी होगी डबल करते हुए यहाँ पे, अगर मार्जिन आपको थोड़ा ज्यादा लगता हो तो उसको इस तरीके से कम कर लेना है। अब हम सीधी साइड से इस प्रकार ये पट्टी पलटेंगे सीधी साइड, और ऊपर से यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने एक साइड ये पट्टी अपनी तैयार कर ली है, और जो दूसरी साइड होती है इसमें भी हम इसी तरीके से पट्टी फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
अब दोनों साइड हमारी इस प्रकार से आएंगी, ये वाली बाजू की इस तरीके से हमारी पूरी बाजू ये तैयार हो जाती है दोनों साइड के लिए। और जो हमारा बीच का गैप बचता है अब हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे। बीच वाले गैप को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर के जो कपड़े लिए हुए हैं, एक रेड और प्रिंट, और 4x4 की हमने डब्बी कटिंग की हुई है जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इनको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, यहाँ पे इस शेप में तैयार कर लेते हैं। मैं एक पीस और दिखाऊंगा आपको तैयार करते हुए। 4x4 की डब्बी होगी, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई। इस पीस को हम इस तरीके से आमने सामने वाले जो कोने होते हैं उनको मिलाते हैं, फिर इस तरीके से मिलाते हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारे ट्रायंगल शेप के पीस तैयार हो जाते हैं। सभी पीसों को हम इसी शेप के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों सभी पीस हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पट्टी लेते हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच होगी और चौड़ाई वही 4.5 इंच की होगी। इस पट्टी में भी हम यहाँ पे इस प्रकार का फोल्ड लगा लेते हैं। इस तरीके से आगे की शेप हम सेम इसी तरीके की बना लेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक के बाद एक पीस रखना है इस तरीके से। पहले नीचे की साइड हमारा रेड हो गया, ऊपर की साइड प्रिंट, फिर रेड आएगा, फिर प्रिंट आएगा और यहाँ पे हम इन्हें सिलाई से अटैच कर लेते हैं बराबर गैप रखते हुए। इस प्रकार हम सिलाई से अटैच करेंगे। सभी पीस हमने इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगाते हुए अटैच कर ली हैं। नीचे की जो साइड होगी हमारी एक सिंगल पट्टी आएगी यहाँ पे इस तरीके से, और ऊपर हमने इस प्रकार से ट्रायंगल शेप के जो पीस अटैच किए हैं इनकी साइडों में हम यहाँ पे बाजू अटैच करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे बाजू को इस प्रकार, और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने बाजू यहाँ पे इस तरीके से अटैच करती है। अब हम दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से बराबर गैप रखते हुए अटैच करेंगे। आपने सेंटर का ध्यान रखना है, सेंटर से हमें जितना इधर गैप है इतना ही हमें इस साइड रखना है। यहाँ पे हम अच्छे से चेक करेंगे कि हमारे दोनों साइड का बराबर गैप होना चाहिए, और दूसरी साइड भी यहाँ पे हम इसी प्रकार से अटैच कर लेते हैं।
हमने जो ये बाहर वाली सिलाई है इस पे भी डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारी साइड ये पक्की हो जाएगी, नीचे जो हमने पीस लगाए हैं वो अच्छे से पक्के हो जाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने दोनों साइड की कंप्लीट कर ली है, अब गोलाई के साथ साथ इसको कट कर देते हैं और नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको भी हम कटिंग कर देते हैं। इस प्रकार हमने नीचे की साइड की भी फिनिशिंग कर दी है एक्स्ट्रा मार्जिन काटते हुए, और यहाँ पे जो हमारी बाजू आएगी इस प्रकार की आएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने ये हाफ बाजू का डिजाइन तैयार किया है, और इससे पहले मैंने आपको फुल बाजू का डिजाइन तैयार करके दिखाया था, तो मैंने एक ही वीडियो में आपको दो डिजाइन कंप्लीट करके दिखाए हैं। तो दोस्तों दोनों डिजाइन आपके सामने हैं, ये हमारा फुल बाजू का डिजाइन है फ्रिल वाला, और ये मैंने हाफ बाजू का डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।